तो भाई हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं, नए लड़कों को पहली बार कैमरे के सामने एक्टिंग करने का मौका दिला रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, किस लड़के को काम मिला, अभी तक क्या क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। थोड़ा इंतजार कर ले भाई, ग्लिच होगा जिसके कारण मैसेज नहीं आ रहा होगा। 5 मिनट हो गए, इतना टाइम तो कभी नहीं लगता। एक्टिवेट हो रहा होगा। हाँ वो भी देख लेते हैं, थोड़ी देर और देख ले, जाएगा कहाँ। हाँ चाय नाश्ता करते हुए आ रहा होगा। पूरे 2999 रुपए का सवाल है। इतना महंगा सवाल, मुझसे पूछ लो, मैं ही जवाब दे देता हूँ। आप जैसे नए कलाकारों को कैमरे के सामने पहली बार एक्टिंग करने का मौका हम आपको दिलाएंगे। इस तरह की वीडियो मैंने पिछले ही दिनों बनाई थी और वहाँ पर एक लिंक भी दिया था जिसे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल हम तक आप भेज सकते थे। भाई उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और हमारे पास बहुत सारी प्रोफाइल भी आई है और उनमें से हम लोगों ने कई लड़कों को सेलेक्ट करके अपने आने वाले प्रोजेक्ट में काम भी दिलाया है। अब इस बात की कितनी सच्चाई है, कितना सही हम कह रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और किन किन लड़कों को हमने काम दिया ये भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए, आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, मुझे नहीं जानते, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव और मैं फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन के रूप में कई सालों से काम कर रहा हूं और वहीं से बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहता हूं कि आप इंडस्ट्री में कैसे कैसे काम कर सकते हैं, कौन कौन से काम होते रहते हैं। फिलहाल आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने एक वीडियो बनाई थी कि हम आपके जैसे जो नए कलाकार हैं जिनको एक्टिंग करने का मौका कैमरे के सामने कभी मिला ही नहीं है, पहली बार वो डायलॉग बोलने वाले हैं और उनको अभी तक मौका नहीं मिला है तो वो दर बदर जो है वो भटकते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम मौका देने वाले हैं। इस तरह की हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर हम एक लिंक दिया था, वो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं। आप एक्टर हैं या राइटर हैं या फिर टेक्नीशियन हैं, आप उस तरह का जो है अपना प्रोफाइल वहाँ पर आप हमें भेज दीजिए। तो ऐसा क्या हुआ कि हमें बहुत सारा प्रोफाइल मिला और उन्हीं में से हमने अब नए लड़कों को सेलेक्ट करके अपने आने वाले जो है प्रोजेक्ट में काम देना शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही एक लड़के हैं कुणाल, जो राजस्थान से यहाँ मुंबई आए हुए थे और उनका जो है कि उन्होंने हमारे पास ये प्रोफाइल भेजी, हमें प्रोफाइल देख के अच्छा लगा और हमने उनका एक ऑडिशन का वीडियो भी मंगाया। उनका वीडियो जैसे हमारे पास आया हमें समझ में आ गया था कि भाई सच में ये पहली बार ही जो है ये कैमरे के सामने जो है आने वाले हैं, क्योंकि ऑडिशन से ही पता चल जाता है। फिलहाल हमारा तो जो भाई यही कहना था कि हम तो उन्हीं लोगों को मौका देने वाले जो जो बिल्कुल नर्वस होते हैं, जो बिल्कुल कभी एक्टिंग उन्होंने किया ही नहीं है कैमरे के सामने। तो हमने क्या किया, उनको बुलाया। अब आपको पहले उनकी वीडियो दिखा देता कुणाल की कि उन्होंने पहली बार किस तरह से एक्टिंग किया, हालांकि उन्होंने 2 प्रोजेक्ट में हमारे काम किया है, तो आप पहले उनकी ये दोनों एक्टिंग देख लीजिए। जबरदस्ती कॉमेडी करने की कोशिश मत कर, नंबर चेक कर। अबे सुब सुब बोल, पूरे 2999 का सवाल है। है ना महंगा सवाल, अब चुपचाप चेक कर। अच्छा वो तो मैं चेक कर लूंगा, लेकिन वो कैश मुझे दे देना, रिचार्ज कराया तो जाएगा कहां। कहीं भी जा सकता है, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं आया तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अरे यार कैसा बात कर रहा है, दोस्ती यारी में मैं तुम्हारा मदद कर रहा था। कर दिया ना दूसरे पे रिचार्ज, मैंने पहले ही बोला था एक बार चेक कर ले, पर तू तो बड़ा ही टाइपिंग मास्टर बन रहा था। ठीक है वो सब मुझे नहीं पता, जब तक मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं आता मैं 1 रुपया नहीं देने वाला, और तू तो जानता ही है मेरे पापा इतने मोटे डंडे से मारेंगे और मुझे मेरा पिछवाड़ा प्यारा है। बे यार तो मैं कौन सा आम बानी बैठा हूँ, ये खाता मेरा है लेकिन इसमें मेरे पापा पैसा रखते हैं, जब भी चेक करेंगे उनको पता लग जाएगा फिर मुझे धो डालेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना करा दूंगा। ए भाई किस दुनिया में है, गलती से किया हुआ रिचार्ज वापस नहीं आता, मैं तो जा रहा हूँ जिससे का रिचार्ज किया है उससे जाके वापस ले ले। अरे तो ये वीडियो आपने देखा, अब आप लोग को फैसला करना है और कमेंट में बताना है कि कुणाल ने किस तरह की एक्टिंग की है, ताकि कुणाल को भी पता चल जाए कि भाई दर्शक जो है आपको देख के क्या महसूस करते हैं। ठीक है ना, लंबे लंबे बाल थे इनके और आपने देखा कि इनका एक्टिंग आपने देख ही लिया, डायलॉग भी आपने देखा, हालांकि बहुत टाइम लगा हमें क्योंकि नए लड़के लोगों को ये अनुभव नहीं रहता है, तो लंबे लंबे डायलॉग को थोड़ा थोड़ा हमें एक दो लाइन करके जो है रिटेक करके करवाना पड़ता है, भाई बहुत टाइम लगता है। फिलहाल अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच
रहे होंगे कि भाई हमने भी तो भैया आपने जो है इस लिंक को क्लिक करके अपना प्रोफाइल भेजा था, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। अरे भाई देखिए, आपने उस वीडियो को पूरा देखा नहीं है तो जाके एक बार देख लीजिए। और मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ, हमने उस वीडियो में साफ साफ कहा था कि देखिए जो लोग इस वक्त मुंबई में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको अभी मौका नहीं मिल रहा है या उनको अभी तक कोई मतलब एक दो जगह काम भी कर चुके हैं तो भाई वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें देखो कलाकारों की ज़रूरत है, हमें वीडियो बनानी रहती है। विनय भाई ने जो है, विनय भाई का चैनल आप जानते ही हैं, हाँ फन फ्रेंड इंडिया के नाम से है, 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वीडियो भी उनकी अच्छी खासी चलती है। तो नए नए जो है वो सब्जेक्ट पर वीडियो बनाते रहते हैं और आप जैसे लोगों को मौका मिलेगा। तो भाई जो बाकी के राज्यों में हैं जिन्होंने हमारे पास प्रोफाइल अपनी भेजी है तो वो नाराज़ बिल्कुल मत हो भाई, हम ऐसी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आपके ही राज्य में आके कुछ कंटेंट बना पाए, वहां शूट कर पाए या तो आपकी प्रोफाइल हम वहां के प्रोडक्शन हाउस में भेजेंगे ताकि आप लोगों से वो संपर्क कर पाए और आने वाले समय में कुछ वहां पर भी आप लोगों के लिए कुछ काम जो है वो निकाल पाए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो बनाया इसलिए क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या हो गया, आपका प्रोजेक्ट कब बना, शुरू हुआ कि नहीं हुआ, आपने नए लड़कों को काम दिया कि नहीं किया। तब आप भाई आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे ना इस वीडियो को देखकर। भाई देखिए आने वाले समय में हम और लोगों को बुला रहे हैं भाई जो मुंबई में हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जल्दी से जो है इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए, प्रोफाइल डालिए, हमें आपका प्रोफाइल का इंतजार है और आपको हम 100% जो है अपनी इस जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें काम 100% देंगे। यार अब भाई इतने लोगों को दिया, देखिए मेल ही नहीं फीमेल को भी काम देंगे भाई, तो आप जो है जल्दी से जल्दी प्रोफाइल भेजिए तो सही। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कुणाल ने कैसी एक्टिंग की है इसके बारे में कमेंट जरूर लिखिएगा, अच्छा या बुरा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि नेक्स्ट अपडेट आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।